Okay, I welcome all of you again, and we'll start today's class. Again, मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि हम programming through C या C जो programming एक language है उसके बारे में पढ़ रहे हैं. ये जो video series है, जो lectures है, ये उसी के बारे में है. तो कल हमने थोड़ा सी अपने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था कि क्या होती है प्रोग्राम लैंग्वेजेस, क्या होती है उनके थोड़े से टाइप्स क्या होते हैं. वी हैव मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, वी हैव हाई लेवल लैंग्वेज. तो वो क्या होती है, उनका थोड़ा सा एक ब्रीफ हमने उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी कल. ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम उसे एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, सी के हम डायरेक्ट सी पे आ जाते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का. तो सी एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कल हमने देखा कि हमारे पास बहुत टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं. हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनसे हम अपनी जो कंप्यूटर है हमारे पास, इससे क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसे कुछ काम ले सकते हैं. हम इसको इंस्ट्रक्ट कुछ करते हैं इन अ स्पेशल वे, और उससे हम ये हमें एक आउटपुट देता है जो कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट है, जो हम चाहते हैं इसे काम लेना. ठीक है, तो बहुत सारी लैंग्वेज है. जब से कंप्यूटर्स आए तब से लैंग्वेज बनती गई, अब भी बन रही है. बहुत सारी लैंग्वेज है अभी भी अवेलेबल, कुछ पुरानी है, कुछ नई आ रही है, कुछ नई चीजों के लिए आ रही है. तो उन्हीं में से एक लैंग्वेज है जो हमें एक्चुअली ओवरऑल इस कोर्स में हमें पढ़ना भी है, जिसके बारे में हमें देखना है, जानना है, और जिसको हमें यूज भी करना है, उसका नाम है सी. तो सी एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जानेंगे कि सी क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब आई, कैसे आई, और कैसे हम इसमें काम करते हैं. तो सबसे पहले ऑब्वियसली जब भी हमें किसी के बारे में पता करना है, हम हिस्ट्री जानना जरूरी जानते हैं. तो हिस्ट्री इज अ वेरी गुड थिंग. इंसान को अपनी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, अपने कल्चर की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, अपने एरिया की हिस्ट्री पता होनी चाहिए. ओवरऑल हिस्ट्री पता होना बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेल थिंग. इससे क्या होता है, ओवरऑल एक स्ट्रक्चर इंसान समझ आता है कि क्या है एक्चुअली जिसके बारे में पढ़ रहा हूँ, या जिसके बारे में जानना है, या जिसको मुझे यूज करना है, तो उसकी हिस्ट्री क्या है, उससे इस के बारे में ज्यादा अच्छे से पता चलता है. तो हम जानेंगे कि इसी की सी की हिस्ट्री क्या है, ये जो सी लैंग्वेज है इसकी हिस्ट्री क्या है. तो असल में क्या था, दो बंदे थे, डेनिस रिची एंड केन थॉम्पसन. ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक लेबोरेटरी थी, AT&T बेल लेबोरेटरीज उसका नाम था, AT&T बेल लेबोरेटरीज. तो उन्होंने वहां पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया. ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज होती है जिससे हम एक कंप्यूटर को यूज कर पाते हैं. जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉयड होता है, किसी में iOS होता है, ठीक है, किसी के पास लैपटॉप हो तो वो विंडोज चलाता है, या लाइनक्स चलाता है, या एप्पल का मैकिंटोश चलाता है. तो वो सारी चीजें उनको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. ठीक है, तो ये जो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था डेनिस रिची, दूसरे का नाम था केन थॉम्पसन. तो इनने क्या किया, इनने डेवलप किया एक ऑपरेटिंग सिस्टम AT&T बेल लेबोरेटरीज में, जो कि उनने बनाया था असेंबली लैंग्वेज पे. और जो जिस सिस्टम पे वो लगा था, उस सिस्टम का नाम था PDP-7. ठीक है, तो दो साइंटिस्ट डेनिस रिची, केन थॉम्पसन, इन्होंने क्या किया, इनने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम यूनिक्स है, जो कि बहुत मशहूर हुआ, बहुत ही यूज हुआ, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, तो यूनिक्स के बारे में आगे आप बाकी कोर्स में बहुत कुछ जानोगे. ठीक है, तो क्या किया इन दोनों ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया यूनिक्स, लेकिन किसमें बनाया, असेंबली लैंग्वेज में बनाया उन्होंने. ठीक है, कल हमने देखा कि हमने लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा कल क्लास में कि असेंबली लैंग्वेज होती है वो, उसमें निमोनिक्स होते हैं. ठीक है, अब ये जो थॉम्पसन थे, केन थॉम्पसन, उनने क्या किया, डिजायर्ड ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मेक यूटिलिटीज फॉर न्यू प्लेटफॉर्म. इनने कहा जो हमने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है यूनिक्स, अब मैं एक ऐसी लैंग्वेज बनाना चाहता हूं जो इसके लिए मुझे यूटिलिटीज, बाय यूटिलिटीज वी मीन कुछ प्रोग्राम एप्लीकेशन, लाइक कोई कैलकुलेटर बनाए, कोई ऐसा टाइपिंग सॉफ्टवेयर बनाए, कोई प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर बनाए, या कोई मेल सॉफ्टवेयर बनाए, जो भी चीजें थी, जो भी इनके दिमाग में थी कि कुछ चीजें हम बनाए जिनसे कुछ यूटिलिटीज बन सके, या छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बना सके जो हमारे काम आए. ठीक है, तो एक
केन थॉम्पसन ने क्या किया, उसने मॉडिफाई किया एक लैंग्वेज को जिसका नाम था BCPL। तो BCPL एक लैंग्वेज थी एक्चुअली, उस वक्त कुछ लैंग्वेज अवेलेबल थी, जैसे एक लैंग्वेज उसका नाम था एल्गोल, वो अवेलेबल थी, एक और लैंग्वेज जिसका नाम था BCPL, वो भी अवेलेबल थी। तो ये जो BCPL अवेलेबल थी, इनके इसके सिंटेक्स को थोड़ा चेंज किया, कुछ एक नई सी लैंग्वेज बनाई जिसका इसने नाम रखा बी। तो बी क्या थी एक्चुअली, BCPL लैंग्वेज ही थी लेकिन थोड़ा सा सिंपलर, इसका जो तरीका था लिखने का या प्रोग्राम करने का वो सिंपलर था, तो इसका नाम इसने रखा बी लैंग्वेज। हाउएवर फ्यू यूटिलिटीज वर अल्टीमेटली रिटन बी बिकॉज इट वाज टू स्लो। लेकिन केन थॉम्पसन ने बी लैंग्वेज बनाई थी लेकिन ज्यादा यूटिलिटीज इसमें बना नहीं सके। क्यों नहीं बना सके, क्योंकि जो बी लैंग्वेज थी ये बहुत ज्यादा स्लो थी, ये लैंग्वेज तो इजी थी लेकिन स्लो थी। तो क्या हुआ था एक्चुअली, पहले डेनिस रिची एंड केन थॉम्पसन ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में बनाया उन्होंने। फिर केन थॉम्पसन ने बोला कि एक लैंग्वेज में बनाता हूँ जिससे मैं इसकी यूटिलिटीज, एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो हम यूज करें इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो बनाऊं, तो उसने एक लैंग्वेज बनाई बी लैंग्वेज। लेकिन बी लैंग्वेज से इन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिला क्योंकि बी लैंग्वेज बहुत ही स्लो लैंग्वेज थी, उसमें टाइम लगता था प्रोग्राम बनाने में, तो इस वजह से ज्यादा यूटिलिटीज बना नहीं पाए। ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री है अभी कंटिन्यू है। तो हिस्ट्री के दूसरे पार्ट पे क्या होता है कि डेनिस रिची, ठीक है, ये जो दो बंदे थे डेनिस रिची, उनमें से 1972 में डेनिस रिची ने क्या किया, उसने जो स्टार्ट किया इम्प्रूव बी, इसने कहा ये जो बी लैंग्वेज है मैं इसको इम्प्रूव करता हूं क्योंकि ये स्लो लैंग्वेज है, मैं चाहता हूँ कि इसको ये थोड़ी सी तेज हो जाए, ये इम्प्रूव हो जाए, इसमें एफिशिएंसी नहीं आ जाए, ताकि हम इसके जरिए से यूटिलिटीज क्रिएट कर सके। तो ये बनते बनते एक नई लैंग्वेज बना दी जिसका नाम इसने सी रखा। तो BCPL से बी आई, बी से सी आई, तो इसका नाम जो है, नाम अगर हम देखें तो ये ऐसे ही ने बी से सी रख दिया। तो सी लैंग्वेज नाम रखने का कोई और खास वजह नहीं थी, इट इज जस्ट इनने एक ऐसे ही नाम रखा क्योंकि इससे पहले इसके फ्रेंड ने या कुलीग ने, केन थॉम्पसन ने एक लैंग्वेज बनाई थी उसका उसने नाम रखा था बी लैंग्वेज। तो डेनिस रिची ने उसी बी लैंग्वेज को इम्प्रूव किया, नाम रखा सी लैंग्वेज। ठीक है, तो नाम से यहाँ पे कोई इशू नहीं कि सी लैंग्वेज क्यों नाम रखा, इज एज यस सच एज इजी, क्योंकि उनने BCPL से बी बनाई थी और बी से सी बना दी, उसका नाम रखा सी सिंपली, देयर इज नो साइज थिंग कि उसका नाम क्यों रखा। तो यहाँ पे एक डेट, इंपॉर्टेंट डेट है 1972। तो 1972 में इससे एक्चुअली कुछ टाइम लगा, 1972 में स्टार्ट हुआ था काम, इट टुक सम इयर्स, 1-2 इयर्स, इवन एक्चुअली बताया जा रहा है कि 1973 में एक्चुअली सी लैंग्वेज का जो पहला वर्जन है वो आ गया, या 73 या 74। तो हम ये कह सकते हैं 1972 में इनने स्टार्ट किया काम, विद इन 1 या 2 इयर्स इनका एक एक नई लैंग्वेज सामने आई जेनेसिस ने जो बनाई, और उस लैंग्वेज का नाम रखा गया सी। तो उसके बाद सी लैंग्वेज और कुछ यूटिलिटी जो इसमें बनी थी, यानी कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो सी में बने थे, वो वर्जन 2 जो आया यूनिक्स का, वर्जन का मतलब एक नया, ठीक है, जैसे आप यूट्यूब चलाते हो या आप व्हाट्सएप चलाते हो, एक अपडेट आता है, अपडेट का मतलब एक नया वर्जन आया है। आप अगर देखोगे, अगर आपके पास सपोज व्हाट्सएप का वर्जन आपके पास 4.2 है, जब आपका अपडेट आ जाता है तो वो आ जाता है 4.2.1 और समथिंग लाइक दैट, इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट होता है। तो इनने यूनिक्स बनाया था, तो यूनिक्स का इनने एक नया वर्जन बनाया जिसका उन्होंने नाम रखा यूनिक्स वर्जन 2। ठीक है, तो उसमें इन्होंने इनबिल्ट दे दिया सी कंपाइलर, यानी सी जो इनने बनाया था, तो कंपाइल का जहां पे हम ये कोड कंपाइल करते हैं, आप कंपाइल के बारे में हम आगे और ज्यादा जानेंगे, यानी हम ये ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो इनने नया वर्जन बनाया एक सी यूनिक्स का, उसमें इनने एक नई लैंग्वेज दी जिसका नाम इनने सी रखा था, और उसके साथ कुछ यूटिलिटीज, यानी कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भी थे। देन जब यूनिक्स का फोर्थ वर्जन आया, यानी थर्ड के बाद फोर्थ आया, वो रिलीज कब हुआ, नवंबर 1973 में, नवंबर 1973 में यूनिक्स का फोर्थ वर्जन आया।
अब जो इस यूनिक्स का कर्नल था, कर्नल का मतलब क्रैक्स, मेन पार्ट, जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल होता है, कुछ मेन पार्ट होता है, ठीक है। वो कर्नल के बारे में हम आपको आगे बहुत सारी चीजें जाननी है, तो फिलहाल आप याद रखेंगे कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वो चीज होती है जो उसका मेन पार्ट होता है, ठीक है। तो ये इसका जो, या हम बोले इसका हार्ट होता है, इसका स्प्रिट होता है, ठीक है। तो उस जो जो यूनिक्स, वो नया यूनिक्स आया था, यूनिक्स वर्जन 4, ये एक्चुअली में इनने सारा जो है इसका मेन पार्ट जो था वो उनने किस में लिखा था, सी में ही लिखा था, वाज एक्सटेंसिवली री इम्प्लीमेंटेड सी। तो इनने अब यूनिक्स को, ऑपरेटिंग इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी में लिखा, और ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, यूनिक्स वाज द वन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर्नल इंप्लीमेंटेड इन लैंग्वेज अदर देन असेंबली। इससे पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए वो असेंबली लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते थे, लेकिन ये पहला वर्जन यूनिक्स का, वर्जन 4 ऑफ यूनिक्स, ये पहला एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना जो किसी हाई लेवल या इसको मिडल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, सी में बनाया गया था, ठीक है, या अदर देन असेंबली, जो असेंबली लैंग्वेज से हटके किसी और लैंग्वेज में बनाया गया था। देन इन 1978 ब्रैंड केरनगन एंड डेनिस रिची, ये दो साइंटिस्ट थे, एटी एंड टी बेल लेबोरेटरीज के ही, पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनने एक बुक लिखी जिसका नाम रखा द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये एक्चुअली डेनिस रिची को हम बोलते हैं डेवलपर ऑफ सी या फादर ऑफ सी, डेनिस रिची को बोलते हैं। तो ये दो बंदे फिर 1978 में इनने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था, जिसका एक्चुअली अभी भी अवेलेबल है, मिल जाती है, मार्केट पे भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस बुक के, इस लैंग्वेज के बारे में इनने एक बुक लिखी, एक बुक पब्लिश की, ताकि लोगों को पता चले, साइंटिस्ट को या प्रोग्रामर्स को पता चले और वो सीखे इस लैंग्वेज को। तो ये जो पहली बुक इसके लिए बनी वो उसका नाम था द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये अवेलेबल है आज भी, ठीक है। फिर सी कंपाइलर वाज आल्सो रिटन इन सी। फिर सी को खुद में ही लिखा गया नए से, जो इनने सी ए कंपाइलर यानी सी ए लैंग्वेज बनाई थी, फिर ने इसी सी में खुद को सी से नए से लिखा, ताकि इसमें और ज्यादा वो ना फ्लेक्सिबिलिटी आए। ये ऐसी चीज है कि हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज हम एक अच्छा सा हमारे पास सिस्टम है, हम एक डिजाइन करते हैं, ठीक है, हमने एक डिजाइन किया सिस्टम को, एक अच्छा सा सिस्टम बना दिया, फिर हम जब हमें लगा कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है, फिर हम उसी सिस्टम को यूज के, उसी टेक्नोलॉजी को यूज कर एक नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ, सी को यूज करके ही हमने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन सी का ही सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें हम प्रोग्राम करते हैं, तो सी को खुद सी में ही नए से लिखा गया, ठीक है। तो ये तो था ओवरऑल हिस्ट्री। एक्चुअली इसके दरमियान और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने इन चीजों को थोड़ा सा क्रैक्स करके, थोड़ा सा शॉर्टन करके लिखा कि कैसे स्टार्ट हुआ सी लैंग्वेज का बनाना, इसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट, ये कैसे स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट हुआ था फ्रॉम यूनिक्स, इनने यूनिक्स बनाया, यूनिक्स के लिए इनने चाहा कि हम कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाए, इनने बीसीपीएल को केन थॉम्सन ने थोड़ा सा आसान बना दिया था, उसने एक लैंग्वेज बनाई थी बी लैंग्वेज, ठीक है। फिर बी लैंग्वेज को ने देखा कि ये तो काफी स्लो है, फिर डेनिस रिची ने क्या किया, बी लैंग्वेज को थोड़ा सा निखारने की कोशिश की, थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की, ठीक है। तो बनते बनते एक नई लैंग्वेज बन गई जिसका नाम सी लैंग्वेज रखा गया, ठीक है। फिर सी लैंग्वेज में क्या किया गया, इनने पूरे यूनिक्स को फिर से सी लैंग्वेज में लिखा, ठीक है। तो एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार बना जो असेंबली से बाहर लिखा गया, यानी असेंबली से, असेंबली लैंग्वेज में नहीं लिखा गया था। फिर क्या हुआ कि इनने सी को फिर से सी में लिखा और एक प्रोग्राम, एक बुक भी पब्लिश की। तो ये जो थी बेसिक्स कि कैसे हमारे पास जो सी लैंग्वेज है ये कैसे आई। अब हमारे पास है कि फीचर्स ऑफ सी, हम सी क्यों यूज करें, इसमें क्या फीचर्स है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द सी इज सिंपल, जैसे पहले लैंग्वेजेस थी, जो सी से पहले लैंग्वेज आई थी, जैसे बीसीपीएल, बी, एल्गोल वगैरह, बाकी चीज, बहुत फोर्ट्रॉन, बहुत सारी लैंग्वेज थी इससे पहले भी, लैंग्वेज थी, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स थी, डिफिकल्ट थी, उनमें सिंटेक्स जो था, उनका तरीका जो लिखने का था कोड, वो थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। अब ये मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल है, इसका मतलब, मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल का मतलब, अगर आप
इससे पहले क्या होता था, अगर मैंने अपने लैपटॉप पे कोई कोड लिखा तो ये कोड जो था मेरे ही लैपटॉप पे चलता था, किसी और के सिस्टम पे नहीं चलता था। उसे बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी यानी मशीन डिपेंडेंट था। अगर मैं लिखता कोई, मैंने कोई सॉफ्टवेयर बना था, ये किसी दूसरे सिस्टम पे चल ही नहीं पाता। आप देखते हो आजकल कंपनी, सपोज यूट्यूब या व्हाट्सएप या कोई और कंपनी, वो अपडेट देती है, वो सारे के सारे जो है मोबाइल पे अपडेट इंस्टॉल हो जाता है। यानी वो पोर्टेबल है, वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अब पहले पहले क्या होता था, ये मशीन डिपेंडेंट हुआ करते थे। अब मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, वो खाली मेरे सिस्टम पे चलता था, दूसरे पे नहीं चलता था, तो उसको बोलते थे मशीन डिपेंडेंट। लेकिन सी के आने से मशीन इंडिपेंडेंट हो गया। इन अगर मैं अपनी जगह पे प्रोग्राम बनाता हूँ, सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, तो उसको मैं जिस पे सिस्टम पे, किसी और सिस्टम पे भी इंस्टॉल कर पाता। ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। देन सी इज अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी को हम एक्चुअली हाई लेवल भी बोलते हैं और मिडिल लेवल भी बोलते हैं। है तो ये हाई लेवल क्योंकि इसमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स यूज किए जाते हैं, लेकिन इसको मिडिल लेवल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पावर ऑफ, इसमें क्या है, सिंपलिसिटी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड पावर ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की इसमें सिंपलिसिटी है, लेकिन ताकत जो उसमें है, जो उसमें चीजें हम कर सकते हैं, जो हम लो लेवल लैंग्वेज में कर पाते हैं चीजें, वो हम इसमें भी कर पाते हैं। तो सी के लिए एक अलग एक टर्म आ गई, मिडिल लेवल लैंग्वेज। हालांकि जनरल में हम मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते नहीं, लेकिन सी के लिए हम अक्सर ये टर्म यूज करते हैं। देन इट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम जब आगे इसमें प्रोग्राम्स करेंगे, हम देखेंगे स्ट्रक्चर कर पाते हैं, हम अलग अलग चीजों को अलग अलग कर पाते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या होता है, जंबल किया जाता था। अब जब सी आई, हम अब चीजों को अलग अलग करते हैं। सपोज आप हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, उसमें ऑडियो चैट होगा और वीडियो चैट होगा, तो हम ऑडियो चैट के लिए कोड अलग कर सकते हैं, वीडियो चैट के लिए कोड अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हो गया, अलग स्ट्रक्चर वीडियो के लिए, अलग स्ट्रक्चर ऑडियो के लिए, बहुत सारे अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया जा सकता था। तो सी में ये पॉसिबल है, इससे पहले की लैंग्वेज में ये पॉसिबल नहीं था मोस्ट ऑफ द। तो रिच लाइब्रेरी, रिच लाइब्रेरी का मतलब बहुत सारी चीजें जो बनी बनाई है हमारे पास, वो है, अवेलेबल है। ठीक है, आपको हर एक चीज के लिए नए से खुद से कोड नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें पहले से ही की गई है, आपको बस उनको यूज करनी हो और यूज करना होता है, उसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जैसे आपको कॉलेज में, स्कूल में लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी क्या होती है कि वहां पे बुक्स अवेलेबल है, आपको उनको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप वहां जा सकते हो और उनसे वो पढ़ सकते हो, उनसे नोट्स लिख सकते हो वगैरह। ऐसे ही सॉफ्टवेयर में भी होता है। यहाँ पे सी प्रोग्राम में हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज हैं, कुछ कोड्स लिखे हुए हैं पहले से ही, तो वो कोड्स हम यूज कर सकते हैं, हमें उनको नए से लिखने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम कैसे हमारी मेमोरी को यूज कर सके अच्छे से। लेकिन आप अक्सर देखते हो कि हमें क्या होता है, अगर हमारे मोबाइल में कम ही मेमोरी हो तो वो दिखाता है कि मेमोरी अवेलेबल नहीं है, या हमें लगता है कभी कि इसने ज्यादा मेमोरी जाया कर दी है, तो वो चीजें जो थी इसमें हम मैनेज कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग। एंड देन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज फास्ट स्पीड। ये बहुत ही फास्ट था, इससे पहले जो बी लैंग्वेज थी वो स्लो थी, लेकिन सी जो है वो बहुत ही फास्ट है। ठीक है, तो नाउ हाउ टू इंस्टॉल। हम इसको कैसे, इंस्टॉल का मतलब अपने सिस्टम में कैसे इसको यूज करें, इसको इंस्टॉल करने का मतलब, हम जब आप कोई प्रोग्राम डाउनलोड करते हो फिर उसको आप यूज करते हो, यूज करने से पहले उसको सिस्टम में एक तरह से इंस्टॉल का मतलब यूज उसको सेटअप करना होता है सिस्टम में, तो हमको उसको बोलते हैं इंस्टॉल करना। जैसे मैं आपको मैं बोलूं कि आप जूम ऐप इंस्टॉल करो, तो आप क्या करते हो, आप प्ले स्टोर पे जाते हो, वहां पे जूम देखते हो, उसको डाउनलोड करते हो, डाउनलोड हो जाता है, फिर वो इंस्टॉल हो जाता है, यानी यूज करने के काबिल बन जाता है। ठीक है, तो कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं यूज करने के सी को। तो वन ऑफ द बहुत ही पुराना है ये, उसको बोलते हैं टर्बो सी कंपाइलर। तो एक कंपाइलर, एक सॉफ्टवेयर है, इसको बोलते हैं टर्बो सी कंपाइलर, हमें यूज कर सकते हैं। वी हैव अनदर थिंग कॉल्ड एज बोरलैंड सी कंपाइलर, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। टर्बो हो सकता है, बोरलैंड हो सकता है। हमारे पास इनबिल्ट इन यूनिक्स, यूनिक्स में जैसे मैंने बोला इनबिल्ट ही होता है, आपको नए से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पहले से ही होता है वहां पे। हमारे पास बहुत सारे आईडीईज़ हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट,
ये क्या होता है जब हम इंशाल्लाह यूज करेंगे, जब हम डायरेक्ट प्रोग्राम पे आएंगे तो एक आईडी हम भी यूज करेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि आईडीज क्या होते हैं। इसमें एक्चुअली कोड भी लिखा जा सकता है, उसको चेक किया जा सकता है, कोई एरर मत है, और उसको रन भी किया जा सकता है, उसका जो आउटपुट है वो भी देखा जा सकता है। तो बहुत सारे हमारे पास है, जैसे डेव सी प्लस प्लस है, इक्लिप्स है, नेट बीन्स आईडी है, वो विजुअल स्टूडियो है, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हमारे पास ये आईडीज हैं। तो एनी वन ऑफ देम वी कैन यूज। एंड नाउअडेज बिकॉज वी यूज मोबाइल टू मच, सो वी ऑल्सो हैव मोबाइल एप्स फॉर सी कंपाइलर। हमारे पास सी को यूज करने के लिए मोबाइल एप्स भी है, तो हम कोई भी मोबाइल ऐप जिसमें सी कंपाइलर हो वो यूज कर सकते हैं। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द सी इंट्रोडक्शन टू सी। तो आज हमने देखा कि सी की जो हिस्ट्री है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे AT&T बेल लेबोरेटरीज में USA में स्टार्ट हुआ, एक कंसेप्ट में यूनिक्स बनाया, फिर उसके यूटिलिटीज बनाने के लिए उनको सॉफ्टवेयर एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ी, उन्होंने पहले BCPL को बी में कन्वर्ट किया कुछ चीजें करने के, लेकिन देखा कि बी तो बहुत स्लो है, फिर डेनिस सिची ने बी को चेंज करके सी बना दिया, और देखा कि सी में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इनफैक्ट सी फिर बहुत ज्यादा यूज हुई, बहुत ज्यादा मशहूर हुई, ऐसा हुआ कि इन द 90s ऑलमोस्ट, एंड अभी भी ये वन ऑफ द फंडामेंटल लैंग्वेज है, वन ऑफ द फंडामेंटल लैंग्वेज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम दिस आईटी बैकग्राउंड शुड नो। ये बहुत सबसे पहली जो लैंग्वेज भी है, अब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में या जहां भी आप जाओगे आपको सी पहले पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये एक पुरानी लैंग्वेज होने के साथ साथ एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे लॉजिक का पता चलता है, जिससे ये समझ में आता है हमें कि चीजें कैसे की जाती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि सी के फीचर्स क्या है, कैसे ये सिंपल है, इजी टू यूज है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फास्ट है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है, एंड बाकी सारी चीजें। एंड देन वी सॉ दैट वी कैन यूज इट इन डिफरेंट वेज, वी हैव टर्बो सी, वी हैव बोरलैंड सी, वी हैव IDEs, we have been built in Unix, and we can have some mobile apps as well where we can use this C.